सबसे पहले रितुम ताले जी, आपको अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और ये पहली दफ़ा होगा कि मैं जीएस के साथ में इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो इससे आप लोग सीधा सवाल करते हैं। तो आज का जो रैली था, जो नल एंड वोइड को जो अगेंस्ट करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का लीडरशिप में हुआ है, तो आज का जो रैली में क्या डिस्ट्रिक्ट के जितना भी जो DSU लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे क्या? नहीं, एक्चुअली आज का जो रैली जो है अपसू ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। अपसू का कोई पैदल बॉडी को हम लोग ने बोला नहीं कि आज का रैली में पार्टिसिपेट करो बोल के। ये टोटली जो पेरेंट्स है ना, जो जो ऑफिसर जो अभी मिला है FSS के दर के, तो वो लोग अपना से ऑर्गेनाइज किया। और जी हाँ, 14-22 का शायद, तो वो लोग ने हम लोग को ऑफिशियली इन्विटेशन दिया कि आप लोग हम लोग का रैली में पार्टिसिपेट कीजिए बोल के। तो हम प्रेसिडेंट हम लोग अपसू टीम ने किया, और उधर हम लोग जो भी है हम लोग का समर्थन को एक्सप्रेस करके आ गया। ये आप इशू के चेयरमैन हैं, तो आपसे मेरा सीधा सवाल दूसरा ये है कि नल एंड वोइड को जो है आप लोग अगेंस्ट करने का, मतलब उसके पीछे मतलब जो जेन्यून जो आप लोग का मुद्दा क्या है? नहीं, एक्चुअली इसमें ऐसा है सोनिया जी, नल एंड वोइड करना ये बहुत बड़ा बैड प्रेसिडेंट होगा। तो पर्सन प्रमोस जो अभी एस्प्रेन बोलता है, तो उसका भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इफ़ इनकेस अभी आप FSS, तो हम लोग का हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो हम क्या चाहता है कि या जो अभी FSS केदार जो मिला है, तो उसको क्या है कि जो उसमें हर कोई तो चोर नहीं है, बट देन हम लोग का शुरू से भी ये कहना था कि जो जो अभी ऑफिसर्स है, तो अब एनी लेवल ऑफ इंक्वायरी आप कोऑपरेट करना है बोल के सेल्फ डिक्लारेशन दो बोला है। तो देखा है तो वो लोग दे दिया, गवर्नमेंट को सबमिशन कर दिया। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको गवर्नमेंट का तो बहुत सारा मेकानिज्म है, पुलिस है, CBI है, तो इसको जो है टेंटेड अनटेंटेड को सेग्रीगेशन करना है। हम लोग ये नहीं बोलता है कि चोर को बच, देखो नल एंड वोइड करेगा तो क्या है कि चोर जो बच जाएगा, शील्डिंग हो जाएगा। ये नल एंड वोइड जो है कि चोर को चिल्ड करने का जैसा है। अभी नल एंड वोइड करने का बात क्या है कि एवरीवन इज एज्यूम टू बी अ चोर, तो इंक्वायरी किसको करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए नल एंड वोइड करना ये बहुत स्टेट के लिए बैड प्रेसिडेंट होगा। और आज नल एंड वोइड कर दिया मोबोक्रेसी को लेके गवर्नमेंट भी, तो कल भी तो नल एंड वोइड करना पड़ेगा। और इंसान है, कभी ना कभी दिन कोई चोर फिर निकल जाएगा ताके जरांग जैसा, तो उसी समय फिर नल एंड वोइड करेगा तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? ये स्टेट का फंक्शनरीज लोग ही कोई आप एक ऐसा शोर मिलेगा फिर उसको नल एंड वोइड करके टर्मिनेट करेगा, ऐसे कितना दिन तक चलेगा? तो इसलिए जो चोर है उसको पकड़ना है, उसको जो भी सजा मिलना है मिलना है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग का अपसू का ओपिनियन ये है कि रिफॉर्मेशन से लेके उल्टा सही ढंग से होके ये नल एंड वोइड को नहीं बोल के सेग्रीगेशन को किस ढंग से करना है, इसी को गवर्नमेंट मेकानिज्म को लेके हम लोग उल्टा सीरियस होना है। तो इसमें क्या है कि अभी पब्लिक जो नल एंड वोइड को लेके अभी सब कंफ्यूज हो गया। तो अभी ना हम लोग सही ढंग से गवर्नमेंट को स्ट्रेस कर पा रहे रिफॉर्मेशन को, ना ये जो क्या बोलते हैं आपका इश्यूज को सही ढंग से एड्रेस करने का जगह में हम लोग आपस में कंफ्यूज क्रिएट करके रख दिया नल एंड वोइड, दो ग्रुप हो गया। तो ये पान अरुणाचल जॉइन स्टीयरिंग कमेटी, उसके बाद कुछ सोशल एक्टिविस्ट है, उसके बाद जो पब्लिक है, इनका ये कहना है कि नल एंड वोइड अगर करता है तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि नल एंड वोइड उन सभी को नहीं किया जाएगा जहाँ जहाँ पेपर लीकेज हुआ, जिस जगह में, जैसे कि अभी रिसेंटली जो ग्यामर पादंग ने पकड़ा ACBIL का, तो उसमें अगर कोई ऑफिसर बन गया तो उसी चीज़ को मतलब जो है जहाँ लीकेज हुआ उसी को नल एंड वोइड डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें तो सब लोग शामिल नहीं होता है। मतलब तो आपको नहीं लगता है क्या जहाँ जहाँ में सिर्फ पेपर लीकेज हुआ उसको नल एंड वोइड डिक्लेयर करना, ये उन लोगों का डिमांड है, तो इसमें आपको नहीं लगता है क्या ये जो है सही है, या फिर ये तो सबको तो नहीं बोल रहा है और सब ऑफिसर चोर रहे ये लोग भी तो नहीं बोल रहा है, जहाँ जहाँ पेपर लीकेज हुआ उसी को बोल रहा है? नहीं, वही हम बोल रहे हैं। देखो इसमें पेपर लीकेज एक ऐसा है, ये एक्चुअली पेपर लीकेज और आपका सेलिंग तो थोड़ा सेम ही है लैंग्वेज पर, बट देन आपका यहाँ पे क्या है कि सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है। सिस्टम इसलिए हम कोलैप्स नहीं बोलते हैं कि ये अभी देखिए ताकत जरांग का अलावा कोई तो इन्वॉल्व है ही नहीं वहाँ पे अभी तो आज का दिन में, जब सबको सस्पेंड करके रखा है तो उनका ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिलके तो अरेस्ट नहीं हो रहा होगा ना। तो अभी ये जो है ताकत जरांग और जो इंडिविजुअल कैंडिडेट
उन लोग का इंडिविजुअल डीलिंग्स है, ये इधर प्राइवेट इंडिविजुअल डीलिंग्स है, इसमें सिस्टम कोलैप्स नहीं है तो हम नाल एंड बॉय क्यों करें, क्यों करेगा। और उसके बाद अभी उन लोग पेपर जा में लीकेज हुआ है तो उस एग्जाम में उन लोग भी पार्टिसिपेंट किया है, तो उन लोग भी एग्जाम दिया तो पेपर लीकेज होकर सबको मिला है, तो उन लोग को क्यों नहीं मिला है, बात ये है ना। हाँ, मेरा स्टैंड है। तो इसके लिए इसको हम लोग पेपर लीकेज बोल के सरप्लस सर्फ मतलब सब में पहला वो नहीं है, कुछ इंडिविजुअल्स लोग को जरूर हुआ है, पेपर मिला है, तो उसी को ही हम लोग पकड़ना है, यह हम लोग का कहना है। और दूसरा जो इनोसेंटली अपना मेहनत से जो एग्जाम में पास होके आया उसको हम लोग डिप्राइव कर देना, ये भी तो सही नहीं है। किसी का जस्टिस मांगने में क्यों हम किसी और को इनजस्टिस करेगा, एंड आपका इक्विटी ऑफ जस्टिस तो ये इसमें प्रिवेल नहीं हो रहा है ना। आपको नहीं लगता है क्या, जब हम लोग बोलते हैं कि जो गलत नहीं करता है उसको बाहर निकालने का ज़रूरत क्या है, किसी को रिएक्शन करने का ज़रूरत क्या है, जो आदमी गलती नहीं करता है वो इतना किसी को बोलता भी नहीं है। तो अभी जितना जो आज का रैली में जो लोग समर्थन दिया है या फिर जो लोग ऑफिसर ऑलरेडी है, तो अगर उनमें कुछ गलती नहीं है तो आप तो गलती नहीं है तो किसी चीज़ को पेश करने में दिक्कत क्या है। नहीं, एक्चुअली हम वो ऑफिसर लोग तो किस ढंग से कार्य कर रहे हैं वो हमको मालूम नहीं, तो आप अरुणाचल में आप खुद ही देखिए, आप अब मीडिया वाला है, अरुणाचल में क्या चल रहा है कि आपका कोर्ट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, उसने है मोबोक्रेसी चल रहा है, यहाँ में पॉपुलेशन अपना एक्चुअली जितना हम मोब लेके आ सकेगा मेरा बात इतना मानेगा, ऐसे टाइप का अभी गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। तो अभी इसलिए वो लोग भी डेमोक्रेसी अपना ये को इस्तेमाल कर रहा होगा, इसके लिए तो आज आप देखा होगा नॉट लेस देन 10,000 का तो पॉपुलेशन है, तो वो क्यों आया है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लोग को रेस्पॉन्स कर देता है, तो इसी का कारण ये एक्चुअली बेथ एग्जाम्पल्स हो रहा है स्टेट में लॉलेसनेस जैसा। तो इसका कारण क्या है कि अभी ताकत से सब हर चीज़ को हासिल करेगा बोल के पब्लिक में रॉन्ग एग्जाम्पन है, तो इसके लिए ये लोग का भी आज गेदार यही है, ताकत दिखाना है। अपसू को ये लिखा जा रहा है कि आप जो है 977 को डिपेंड करने के लिए अपसू जो है नल एंड बोइत को अगेंस्ट कर रहा है, और उसके बाद वो जो एस्पायरिंग की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि नल एंड बोइत अगर आप लोग 977 को डिपेंड कर रहा है तो उन तमाम स्टूडेंट का क्या जो 2-3 लाख में मतलब एग्जाम्स दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जितना एग्जाम्स हुआ है जेन्यून मतलब जो पियर नहीं हुआ है। तो अभी अपसू को ये सवाल किया जा रहा है कि आप स्टूडेंट के साथ खड़े हैं ना, ये नौकरी वाले लोग के लिए साथ खड़े हैं। देखो, ये हम अपसू स्टूडेंट सब पब्लिक के लिए, तो इस पर आप देखिए अभी 977 का हम लोग बात नहीं है, यहाँ पे एक आदमी भी जेन्युइन आदमी को जब डिप्राइव करने जा रहा है तो उसको अपसू आवाज़ उठाई गई है। तो अपसू तो आपका नौकरी का मामला में सिर्फ नहीं है ना, हर चीज़ में हम लोग जहाँ पे अपना इंडिजीनियस का डिप्राइव हो, जहाँ पे गवर्नमेंट ने गलत पॉलिसी बनाया हो, तो उसको अपसू तो हमेशा वॉच डॉग की तरह हम लोग रहता ही है। ये हम आज हम जनरल सेक्रेटरी है, कल कोई आएगा वो भी वही करेगा। तो अभी इसमें ऐसे है जो आप अभी बोला है अपसू स्टूडेंट का साथ है ना, ये ग्रुप में अपसू दोनों के लिए है, अपसू सब के लिए, अपसू इसलिए सब के लिए है कि देखो काल को ये एस्प्रेन, काल को ये एस्प्रेन ही एफिशिएंस क्रैक करके आ जाएगा। तो आज एक पेपर लीकेज हुआ है बोल के नाल एंड बोइत कर देगा, तो काल फिर उसको भी वो ये होगा, तो उसको भी तो जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी इसको एस्प्रेन लोग भी स्टूडेंट भी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, पब्लिक को समझना होगा, ये नाल एंड बोइत का कॉन्सिक्वेंस है इफ इनकेस गवर्नमेंट सच में नाल एंड बोइत कर देता है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस और जो डैमेजेस है इसको कोई जस्टिफाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको ये बात तो पता है ना कि जब ये जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने जब 13 चार्टर ऑफ जो डिमांड दिया गया था उसमें जो है नल एंड बोइत भी उसमें शामिल है, तो सरकार ने उसको मतलब एश्योरेंस दिया है कि नल एंड बोइत ही होगा। तो अभी आप लोग का तरफ से बोला जा रहा है कि नल एंड बोइत होने नहीं देंगे, तो अभी आपको आप यहाँ का हम लोग का यहाँ का एक एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आप लोग का हमेशा ये सोच रहता है कि अरुणाचल ठीक होना है, सब लोग सरकार के साथ हो या फिर पब्लिक के साथ हो, सही आगे बढ़ना है। तो अभी आप लोग के लिए बहुत मतलब ये एक जो है चुनौती या एक चैलेंजेस है कि अभी सरकार ने तो नल एंड बोइत को एक्सेप्ट कर लिया और अपसू बोल रहा है कि नल एंड बोइत नहीं होना है, तो आपको अभी इसमें आपका क्या राय है। नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है, अभी आपको तो हम पूरा बता ही दिया अपसू का राय को, अपसू का राय है कि नल एंड बोइत नहीं होना है, सेग्रीगेशन करना है टेंटेड अनटेंटेड को ना, तो इसको सेग्रीगेशन करके सही ढंग में
ये जो ऑफिसर ग्रुप जो भी है अभी नौकरी में है उसको भी जस्टिस मिलना है, और मेरा ये एस्पिरेंट ग्रुप लोग को भी जस्टिस मिलना है। तो उसका बाद और एक चीज़ है कि यहाँ पे सब नालन बैठ सरकार करेगा, नालन बैठ सरकार करेगा बोले, नालन बैठ कभी सरकार का डिस्कशनरी में नहीं होगा। ये तो नालन बैठ आप बाद में मेटर तो जो भी हो कोर्ट में ही चलेगा, तो इसलिए कोर्ट से जब जस्टिफाइड करके नालन बैठ करके आता है तो आपसू का तो क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद विदाउट जस्टिफिकेशन नालन बैठ करने से ये तो आपसू कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग जो भी करना है बाद में उसको आपको आप लोग को बुला के बोल देगा। ये आपसू का शुरू से स्थानीय रहा है क्या नालन बैठ नहीं होना है? नहीं होना है। देखो इसमें ऐसा है, आपसू तो शुरू में जो एस्पिरेंट लोग एक चार्टर ऑफ डिमांड लेके आया था उसको गवर्नमेंट का साथ पार्सू कर दिया, अब भी उसका अपडेट है। उसके बाद जब 13.4 चार्टर ऑफ डिमांड में क्या था, एक रेंडम अरेस्ट और एक था कॉम्पेंसेशन। देखो इसमें भी ऐसे वो लोग लिखे हैं कि काल को पेपर लीक होने से 5 लाख का कॉम्पेंसेशन देना है, तो वो खुद भी एज्यूम करता है कि काल को पेपर लीक नहीं होगा बोल के, तो गारंटी नहीं है। तो काल को जॉब में नौकरी मिल के रहेगा फिर नालन बैठ होगा तो उसको भी होगा। तो इसमें मतलब सिस्टम गवर्नमेंट का फंक्शनिंग ही इसमें डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं। तो अभी आपसू का देखो, आपसू को यहाँ पे पब्लिक भी गलत नहीं सोचना है, एस्पिरेंट भी गलत नहीं। आपसू कभी आपसू पब्लिक का सेंटिमेंट को देख के हम लोग हीरोगिरी बनने कोशिश नहीं किया, क्यों हम लोग शुरू से ये बोला है कि हम लोग नालन बैठ को इसको जस्टिफाइड नहीं लगता है, तो हम लोग इसको कभी आपसू एड्रेस नहीं कर सकते बोलकर शुरू से हम लोग स्टैंड। हम लोग ये नहीं बोला है उलू का शांति के लिए, हम ये नहीं बोला है कि हम नालन बैठ सरकार को डिमांड प्लेस करने के लिए हम एड्रेस करने के लिए रह दिए, कभी आपसू बोला नहीं। सिंस बिगनिंग आपसू ये बोला है कि नालन बैठ को हम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप देखा होगा मीडिया में तो हम लोग का मीडिया ट्रायल तो बहुत डेंजर से चल रहा है, तो भी हम लोग हम आपसू हम अकेला एक दो हम लोग आपसू का एग्जीक्यूटिव टीम लोग जितना भी हो हम लोग राइट के लिए बात करेगा बोलकर आज तक हम लोग अपना स्टैंड में खड़ा है, हम लोग का ओपिनियन कभी बदला नहीं है। तो इसके लिए आप भी देखिए हम लोग का शुरू से लेकर आज तक का ओपिनियन। APPSC स्कीम को लेकर के पब्लिक ये समझे क्या, अभी आपसू और आंसू जो है दो ग्रुप है जो मतलब एक जो है नालन बैठ को सपोर्ट कर रहा है, एक जो है अगेंस्ट कर रहा है, तो आने वाला समय में मतलब आपसू और आंसू का ये टॉपिक रहेगा या फिर आपसू और आंसू ही इसमें बाद में लड़ेगा, आपको क्या लगता है, आपका मतलब इसमें क्या राय है? नहीं देखिए इसमें आंसू एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ओपिनियन प्लेस करना दैट इज देयर ड्यूटी, क्योंकि वो भी तो अपना एग्जीक्यूटिव का कंसल्टेशन में क्या होगा। तो आपसू जो है मेरा ओपिनियन प्लेस करना, हम तो सबका मेरा एग्जीक्यूटिव का राय लेता है, उसका ओपिनियन है कि नालन बैठ नहीं करना है। तो क्या है कि तो इसमें काल को हम बोलेगा नो नालन बैठ ना नालन नो टू नालन बैठ, तो आंसू बोलेगा नालन बैठ। तो इसमें क्या है, इसमें जो है बाद में जेन्युइनिटी कहाँ पे आएगा बोलने से, तब तो हम दोनों सरकार को गंती बजाते रहने से अच्छा कोर्ट पे जाना पड़ेगा है कि नहीं। बट देन हम ये कहता है कि एक हम आपसू होते हुए हम कभी एक इंडिविजुअल को डिफ्राइव होने नहीं देगा। पब्लिक की तरफ से ये बहुत सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आपसू का बंद कॉल में पब्लिक समर्थन नहीं देगा या फिर मार्केट का कोई जो भी समर्थन नहीं देगा, इसको लेकर के आपका कोई मतलब कुछ कहना है? देखो हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक और हम क्या है, हम भी पब्लिक है कि नहीं, हम पब्लिक का इधर वर्सेस नहीं है। और ये पब्लिक लोग अभी जैसे पुअर वर्सेस धनी क्या क्या भी लिख रहा है, देखिए इसमें नालन बैठ करेगा तो सबसे विक्टिम कौन होगा, गरीब का बच्चा जो माँ बाप सब्जी बेच के जो नौकरी मिला है तो उसको नालन बैठ कर देगा तो टर्मिनेट कर देगा तो जॉबलेस हो जाएगा। और धनी का बच्चा को आप टर्मिनेट भी करके देखो ना, 10 डीलर खोल देगा, 10 बिजनेस सेंटर खोल देगा, तो इसमें डिफ्राइब कौन हो रहा है? डिफ्राइब इसमें पब्लिक है, उसके बाद अपना बिलो पॉवर्टी लाइन का जो गरीब लोग है। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि हम जब अरुणाचल का हित के लिए मेरा पब्लिक का हित के लिए जब हम काम करना चाहेगा बन कॉल भी करता है तो हम उससे राय नहीं लेगा। तो पब्लिक को समझना होगा कि आपसू का जो बोल रहा है सही है कि गलत। और यहाँ पे फिर एक बात बोल रहा है कि काल कोई इंडिविजुअल्स को कभी आम प्रेस ब्रीफिंग देखा,
आपसू का शीशा पड़ रहा है तो हम रिपेयर कर देगा, ये तो आपसू का शीशा का बात नहीं ना, ये आपसू का उसी बात पे मैं आ रहा था कि आपसू का बंद कॉल का एक पॉइंट में ये है कि आपसू ऑफिस का जो है वैंडलाइज किया गया है, तो इसको कई बार मीडिया ब्रीफिंग में सोल दोदुम ने कहा है कि प्रेसिडेंट से हमने बात किया था और हाथ पांव जोड़ेंगे उसके बाद शीशा बना देंगे, ऐसे कहा था। तो इसको लेकर के मतलब जो पब्लिक का ये गलत फहमी है कि आपसू का थोड़ा सा शीशा टूट गया तो बंद कॉल करेगा, कि इसको लेकर के नहीं, एक्चुअली पब्लिक को और अरुणाचल के ये जो भाषी है ना, पीपल ऑफ अरुणाचल शुड हैव टू नो द रोल ऑफ आपसू सिंस फ्रॉम नेपादेश। तो आपसू इतना स्टेट का हित के लिए काम करके आया, तो आज ये आपसू ऑफिस ने, ये हम लोग का मंदिर है, तो ये मंदिर को आप जब चाहेगा तोड़ेगा, जब चाहेगा बनाएगा, ये तो तोड़ी होता है। तो ऐसे जो जो जैसे कि सोल दोदुम ऐसे बोलता है तो सोल दोदुम का घर को कोई तोड़ देगा तो तोड़ने का बात है, हम शीशा डाल देगा बोलने से तोड़ी होगा। तो उसका एक घर का इज्जत है, अपना मर्यादा है, आपसे ऑफिस का अपना संस्कृति है, अपना इस्तेतास है। तो इसमें तो आप शीशा तोड़ना है कभी चोरो ना, या टूकने से भी तो गलत बात है, आपसू बोल के टूकने से। तो आदमी का सेंटिमेंट्स को समझना, ये शीशा का कोई दाम को हम लोग नहीं पूछते। कई बार ऐसे होता है सोशल मीडिया में जो पहले चलता है वो सही भी होता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग किया था, उस समय ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से आप लोगों को तेजू में जो है 45 करोड़ यानी 43 करोड़ का जो है काम दिया गया है, मतलब जो इस मुद्दा को लेकर के आपको साइलेंस रहने के लिए, इस विषय में आपका क्या राय है? एक्चुअली इसमें देखिए, वहाँ में पर्स एंड प्रमोस तो वहाँ में आपसू का कोई काम नहीं है, और सेकेंड चीज जो है आप और एग्जाम्पल हम मेरा ही पकड़ लो जी जी। हम आपसू में एक बार जनरल सेक्रेटरी हार चुका है जी जी। तो हारते समय हम देखा है बिना रुपया का तो इलेक्शन में जीतता नहीं, तो हम एक कॉन्ट्रेक्टर हो गया वो आपसू का हारने का बाद जी जी। तो कमा के कहाँ से कमाए उस हम आपसू फिर वापस आ गया ना अपना दार बाकी को तेर के। तो बिफोर आपसू ऑल्सो हम तुमने काम किया कर रहा था। तो अभी भी उसमें आप देखिए एक लॉजिक देखिए, ई टेंडर है ना जी। ई टेंडर में क्या होता है कि आपका अपना रेट से मैंने रखता है, तो कोई टेंडर उधर में हम लोग पार्टिसिपेट करके सिर्फ आपसू अकेला करके छुपा के करने से अलग बात है, ये तो ग्लोबल टेंडर है। तो उसमें हम फॉर एग्जांपल टेंडर डाल के टेंडर जीतते हैं तो सरकार से मिला है बोल के कैसे करके बोलेगा। तो अभी जो अरुणाचल में जितना कॉन्ट्रेक्टर्स है वो क्या पेमाकांदू का काम देवला से कर रहा है क्या, पेमा सर का सीएम साहब का काम देवला से तो कर नहीं रहे ना, सब अपना अपना से बीडिंग करता है, टेंडर करता है। जैसे असम में अभी मेरा काम चल रहा है तो उसको क्या हमको सीएम साहब ने दिया है क्या असम में, नहीं कि नहीं। हम तो वहाँ का हिमंत विश्व शर्मा का तो कभी तारीफ कर दर नहीं किया ना, फिर काम तो मिला है ना, ये वो एक मतलब इलॉजिकल वाला बात है ना, मतलब जो जो बोला जा रहा है वो गलत गलत है। और उसके बाद अभी जैसे आप हम लोग का प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी मेरा जैसे तैसे के अल्लाह को पतों में डाल के मीडिया में दिखा रहे हैं, हम आपको जरूरी पड़ने से मेरा आरटीजीएस, क्योंकि देखो मेरा वहाँ जो खरीद है तो हम आरटीजीएस का जो स्टेटमेंट आपको ला के देगा है कि आरटीजीएस तो झूठ नहीं बोलेगा, डेथ तो झूठ नहीं बोलेगा, और सोर्स ऑफ मेरा इनकम भी कहाँ से बोलने से उसको भी हम दिखा देगा। मेरा एक बिल था ना 4-5 करोड़ का बिल था, तो हम काम किया है, फिर वो काम को भी अर्थे मारने से मारो, हम काम नहीं किया तो अलग बात है। तो ऐसे झूठ मूठ का आदमी को झूठ मूठ का उछलना गलत है, हाँ इमेज को तार्निश करने का चक्कर में पब्लिक को गुमराह करता है। तो उसके बाद अभी देखिए मेरा प्रेसिडेंट, उसका किलोमीटर किलोमीटर में मिट्टी है माँ बाप का दिया वाला, तो वो आपसू आके खरीदे क्या? तो उन लोग को ज़्यादा जरूरी, जो जो ट्रोल करता है ना इंटरेस्ट होने से हम गाड़ी फ्री में भेज देगा, मेरे प्रेसिडेंट का मिट्टी देखने जाओ बोलेगा। तो रितुम जी आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, अभी आप लोग का सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा यही है कि नल एंड बॉयट नहीं होना है, और दूसरा टीम का ये है कि नल एंड बॉयट होना है, आपको क्या लगता है इस संघर्ष में, इस लड़ाई में किसका बाजी होगा? देखिए हम जो नल एंड बॉयट नहीं होना है जो बोलता है ना, उसको भी मैं यही बोलता है कि आप लोग जस्टिफाइड करो नल एंड बॉयट क्यों नहीं, क्यों होना है। आप नल एंड बॉयट कोई पेपर बिक्री कर दिया, कोई खरीद लिया उसमें आप नल एंड बॉयट कर दो बोलना, ये भी तो गलत है। आपको देख आपका ये सोसाइटी में भी होगा, कोई कोई गोल्ड मेडलिस्ट यूपीएससी को 2-3 बार करेक्ट करके ना आने वाला भी अभी ऑफिसर है, वो तो पेपर खरीद के तो नहीं आएगा ना,
अपना जॉब को रिजाइन करके। इंजीनियर्स में 4-5 तो इंजीनियर्स है जो एक जॉब को मिलता छोड़ता है, एक जॉब को मिलता है छोड़ता है, ऐसे करके यही बना है। वो तो पेपर खरीद के नहीं आएगा। और इधर एक एग्जाम्पल, मेरा आरके का सीनियर एक तो केनली रिवा बोल के, उसने ए को मिला, उसको छोड़ा, फिर UPSC दे के असिस्टेंट कमांडेंट ITB पीता, फिर उसको छोड़ के फिर इंटरव्यू दे के CO मिला, तो वो पेपर खरीदेगा क्या? तो इसके लिए जस्टिफाइड होना है, जस्टिफाइड होना है। इसलिए हम वो लोग को जो नाल एंड बॉय डिमांड करता है उसको भी हम ये बोलते हैं कि आप भी आज सही ढंग से सोचो ना फ्यूचर के लिए। आप एस्प्रे नहीं सोचता है तो स्टेट का हित के लिए, काल को अभी नाल एंड बॉय करेगा तो बहुत गलत प्रेसिडेंट होगा, ये हम बार बार अपील करते हैं। आखिरी सवाल फिर बनता है, क्योंकि आपने जब ये जिक्र किया तो आपको याद होगा जब आप ये ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के साथ आप लोग का शुरुआत में टेनिस कोर्ट में जब मिला हुआ था, जब अपसु और अंशु का ज्वाइन, उसके बाद ये पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, उस समय पान अरुणाचल नहीं था, तो उस समय आपने भाषण में, क्योंकि आपने शुरू में कह दिया है कि नल एंड बॉयत को अपसु शुरू से अपोज कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन आपको इसलिए भी सवाल किया जा रहा है कि क्योंकि जब मेनोटी बोरन का जब आपने बात जिक्र किया था कि आपने खुद बोला था कि सबसे पहले मिठाई आपने ही खाया था, तो उस समय तालियां भी बहुत बजी थी, तो आपको एज आपको मैं अभी अपसु के हिसाब से नहीं पूछ रहा, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ का यूथ होने के नाते, यहाँ का सिटीजन होने के नाते, आपने खुद बोला था कि उन्होंने पेपर खरीद के मतलब उस समय पास किया होगा, तो सबसे पहले, लेकिन सबसे मतलब बदनसीब इंसान मैं खुद हूँ कि सबसे पहले मैं उसका मिठाई खाया था, आपने कहा भी था, तो सच में ये पेपर बेचने का और खरीदने का जो स्कीम जो हो रहा है, आप एक युवा होने के नाते आपको ये सही है क्या ना गलत है? तो बहुत बहुत गलत है, ये अरुणाचल का एक डार्केस्ट पीरियड है और साथ ही साथ ये तो एकदम हम लोग का लाखों को मारदार कर रहा है, तो इसको तो हम कभी सही नहीं बोलेगा ये जो स्कैम है इसको। इसलिए अभी मेरा यही मानना है कि जो पब्लिक जो भी है, हम लोग ये स्कीम को देखते हुए हम लोग बहुत गलत हुए बोलकर सब एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या है कि काल को हम लोग ये इमोशंस को लेके भी फिर नाल एंड बॉयत करके बेस्ट प्रेसिडेंट भी तो सेटअप नहीं करना है, तो जस्टिफाइड होना और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी आप अच्छा से देखना पड़ेगा। तो अभी फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल का बात है, कोई यही है फॉर एग्जाम्पल अपना ओन डिसर्स ऑफ ड्यूटी में किसी को उल्टा पुसिद्धा कुछ कर दिया होगा, अभी 4-5, 7-8 साल से बेचारा नौकरी में है, तो वो आदमी को अभी नाल एंड बॉयत कर देगा जो जेन्युइनली मिला है, और कितना फैमिली को पाल के बैठ रहा है, इतना सोशल स्टेटस उसका है, तो वो आदमी को काल को विदाउट देयर एनी फॉल्ट उसको नौकरी से बर्खास्त कर देगा, तो क्या वो रहेगा? वो तो सुसाइड होगा ना, मास मर्डर होगा इसमें। तो इसमें होने से क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर, इस बात को भी तो आप मानना पड़ेगा ना, बहुत स्कीम होने के बाद भी बहुत लोग ऐसे स्पैरेंट भी हुए हैं जो सुसाइड किया है, मतलब जब पता चला कि मतलब स्कीम हुआ है या फिर गलत हुआ है, मेरा जो पढ़ाई जो किया उसको नहीं मिल, हक को नहीं मिलता है, तो कोई ऐसे ऐसे भी तो सुसाइड था, उसको भी तो आप सोचना पड़ेगा। हाँ, उसको भी वही तो उसको भी तो सोच के मेरा यही कहना है कि अभी जो है रिफॉर्मेशन को लेकर हम लोग सही ढंग का करना है फ्यूचर के लिए ना, तो और अभी हम लोग सही करने का चक्कर में गलत करके गलत एग्जाम्पल भी तो सेटअप नहीं करना है, तो हम लोग ओवरऑल के लिए देखना होगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि अभी अंशु अपसु उसके बाद ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, उसके बाद जितना भी यहाँ में NGO है और जो सोशल एक्टिविस्ट है और सरकार है, फिर आप लोगों के साथ फिर एक बार बैठक होगा कि ऐसे कुछ अच्छा रास्ता निकालने का, कुछ अच्छा सॉल्यूशंस निकालने का, ऐसे कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं, हम लोग तो पब्लिक मिसकंसेप्ट अभी भी है, मतलब हम लोग तो ये चाहता है कि स्टेट का हित के लिए बढ़िया सोल्यूशन एक हम लोग को मिल पाने से ठीक है, राउंड टेबल डिस्कशन होना है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे एक दूसरा ये देखो सेल्फ हम लोग ईगो नहीं होना है, तो इसमें क्या है कि स्टेट का हम भी स्टेट का अच्छाई के लिए चाहता है, वो लोग भी स्टेट का अच्छाई के लिए चाहता है, वो लोग भी फ्यूचर जनरेशन का अरुणाचल को लेकर चिंता है, तो हम भी ये चाहता है कि ऐसा एक हम लोग मिल के सोल्यूशन बनाने से भी ठीक है जहाँ पर कोई भी डिफ्राइब ना हो, जो सबका जस्टिस हो, उसमें सब इक्वलिटी प्रिवेल, गलत भी हो उसको पकड़ा जाए, अब गलत जो है उसको पकड़ा जाए। चलिए, ये था रितुम ताले जो कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और अभी का जितना जो इशू चल रहा है इसका इशू चेयरमैन भी है, और हमने उनसे सीधा बात किया है, और रितुम जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनिया साहब।